जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, यह है बयान तो पुराने हैं लेकिन ताजा, स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के सामने राजस्थान संकट फिर से खड़ा हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा एक कदम और आगे बढ़ गया है। वहीं इस वीडियो में हम जानेंगे अचानक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट पर क्यों हमलावर हो गए, सीएम गहलोत के बयान के मायने क्या है और इस बयान को सोनिया गांधी समेत कांग्रेस हाईकमान किस रूप में ले रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज तक का इतिहास है, जो भी सीएम गहलोत से उलझा है वह आज तक सुलझा नहीं है। पायलट ही नहीं बल्कि पहले भी कई दिग्गज नेता सीएम गहलोत से मात खा चुके हैं। पायलट से पहले गहलोत से मात खाने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। राजस्थान में सियासत के बादशाह माने जाने वाले हरदेव जोशी, परसराम मदेरणा, नटवर सिंह, शिवचरण सिंह माथुर और सीपी जोशी समेत तमाम सियासी नेताओं को गहलोत सियासी शिकस्त देने में सफल रहे हैं। राजस्थान में 90 के दशक में कांग्रेस के हरदेव जोशी, परसराम मदेरणा और शिवचरण माथुर जैसे दिग्गजों का वर्चस्व था। दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। परसराम मदेरणा के समय कांग्रेस को 1990 और 93 में हार का सामना करना पड़ा था। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 153 सीटें मिली थी। ऐसे में पहला दावा कांग्रेस के दिग्गज नेता परसराम मदेरणा का बन रहा था, दूसरा दावा वरिष्ठ नेता नटवर सिंह का बन रहा था। नटवर सिंह उस समय गांधी परिवार के करीबी थे। लेकिन यहां पर भी अशोक गहलोत मदेरणा पर भारी पड़ गए और सीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली। उसके बाद तो आपने देखा ही है, जब जब कांग्रेस जीती है तब तब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को मात देकर खुद अशोक गहलोत ही सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस जीती तो लग रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर यह पुरानी बातें हैं, वर्तमान की बात करते हैं। आपने इंटरव्यू देखा होगा, सीएम गहलोत ने NDTV को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें पायलट को गद्दार तक बता दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब जरा आप सोचिएगा, यह बयान, इतना बड़ा बयान मुख्यमंत्री गहलोत ने तब दिया है जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान आने वाली है, इसीलिए इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो करीब 3 से 4 दिन पहले गुजरात में राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई थी, फिर एक खबर आई जिसके बाद अशोक गहलोत और गहलोत गुट में हड़कंप मच गया। दरअसल वो खबर यह थी कि सचिन पायलट, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीटिंग होने वाली है। और आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिस पर मंच पर राहुल गांधी मौजूद है और उसी मंच पर सचिन पायलट का नाम पुकारा जाता है। इसके बाद राहुल गांधी इशारा कर पायलट को बुलाते हुए भी दिखाई देते हैं। राहुल गांधी का सचिन को इस तरह महत्व दिखाना कई पॉलिटिक्स मैसेज की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर दूसरे दिन सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात। और आपको बता दूं, सियासी संकट के समय लगातार प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट का समर्थन किया था और ऐसे में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के साथ यात्रा में पहुँचने से चर्चाएं और तेज हो गयी। और फिर सचिन पायलट ने भी भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर शेयर करते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी जी एवं प्रियंका गांधी जी के साथ उठता हुआ हर कदम एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। और ट्वीट में परिवर्तन शब्द आते ही गहलोत खेमा और खुद गहलोत अलर्ट मोड पर आ गए। कहा जाने लगा कि कहीं परिवर्तन से सचिन पायलट का आशय राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर तो नहीं है। यानी कि जैसे जैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पिछले कई दिनों से लगातार सचिन पायलट पर भरोसा बढ़ता जा रहा है और यह बातें शायद गहलोत समझ गए होंगे, इसीलिए गहलोत खुलकर सामने आ गए और सचिन पायलट को गद्दार तक बता दिया। अब देखिए, कांग्रेस आलाकमान कह चुका है कि कोई भी नेता अनर्गल बयानबाजी से बचे। खुद सीएम गहलोत तो मजे हुए नेता है, ऐसे समय में ऐसे बयान देना कहीं न कहीं सीएम गहलोत की भी आलाकमान को अब खुली चुनौती है। कहीं न कहीं इशारों ही इशारों में गहलोत ने कह दिया है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा तो अच्छा नहीं होगा। भले ही अशोक गहलोत कांग्रेस का सच्चा सिपाही अपने आप को बताते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था
खुद सोनिया गांधी चाहती थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने को तो तैयार थे, लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। कि उस समय भी मुख्यमंत्री गहलोत ने आलाकमान को चुनौती दे दी थी। सोनिया गांधी के चाहते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बने। अब एक बार फिर अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत आलाकमान नेताओं को यह चेतावनी दे दी है कि अगर आपके मन में राजस्थान में परिवर्तन करने की है तो यह इच्छा निकाल दीजिए। सीएम गहलोत ने इशारा कर दिया है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अब देखिए, आपको बता दूं, नेता आपस में ऐसे नहीं झगड़ते जैसे आम लोग आपस में झगड़ते हैं, लेकिन यह नेता बड़ी सादगी में एक छोटा सा मैसेज देते हैं जिनके मायने बड़े होते हैं और आम लोग समझ भी नहीं पाते। खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है,